जयपुर का स्टिंग ऑपरेशन आपने देखा, दिल्ली में भी स्टिंग ऑपरेशन सामने आया। एक वीडियो में डीडीए का एक कर्मचारी रिश्वत लेते हुए दिख रहा है। दिल्ली सरकार इस केस में दिल्ली पुलिस से और एसीबी से एफआईआर लिखने की गुहार लगाती रह गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। खुफिया कैमरा ऑन है, कैमरे में एक शख्स की तस्वीर कैद हो रही है। चंद सेकंड बाद रिश्वतखोरी की तस्वीर कैमरे में कैद हो जाती है। दिल्ली के इस घूसकांड पर बड़ा बवाल शुरू हो गया है। एक तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं, मनीष ने ही ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस और एसीबी है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो होने के बावजूद एफआईआर नहीं लिखी जा रही। पुलिस और दिल्ली सरकार के बीच टकराव की स्थिति कोई नई नहीं है। इस बार 30 सेकंड के एक वीडियो को लेकर दोनों आमने सामने हैं और मोर्चा खोला है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने, और साथ ही निशाने पर है दिल्ली पुलिस और एंटी करप्शन ब्रांच। वीडियो में नीली और सफेद चेक शर्ट पहने एक सरकारी कर्मचारी दिख रहा है। इस वीडियो को शेयर करने से पहले मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट किया। मनीष ने लिखा, दो भ्रष्ट कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़ने के बाद दिल्ली सरकार के एसडीएम एफआईआर लिखवाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया है, अब एसीबी भी आनाकानी कर रही है। इस ट्वीट के एक घंटे बाद मनीष ने एक वीडियो शेयर किया। सिसोदिया ने दावा किया कि एक भ्रष्ट कर्मचारी की रिश्वतखोरी का स्टिंग ऑपरेशन है। वीडियो में एक कर्मचारी किसी दफ्तर के गलियारे में आते हुए दिखता है, किसी से पैसे लेता है, जेब में रखता है और वापस चला जाता है। रिश्वतखोरी का ये वीडियो खुफिया कैमरे में कैद हो गया। इसमें टेक्निकल ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो पहले पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, और पुलिस ऑफिसर जो प्रक्रिया होती है एंटी करप्शन एक्ट के तहत, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो कार्रवाई होती है, प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करके फिर प्रॉपरली रेड कंडक्ट की जाती है। ये नहीं है कि कोई भी एजेंसी जाके रेड कर दे और फिर पुलिस को जाके दे। खबर है कि मंगलवार को डीडीए के दो कर्मचारी रिश्वत लेते हुए कैमरे में पकड़े गए थे। दिल्ली सरकार के एसडीएम दोनों कर्मचारियों को लेकर दिल्ली पुलिस के पास गए। वीडियो दिखाने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया। बाद में एसडीएम दोनों कर्मचारियों को लेकर एसीबी के दफ्तर गए, वहां भी एफआईआर नहीं दर्ज हुई। एंटी करप्शन ब्रांच में डीडीए एम्प्लॉयज के खिलाफ रजिस्टर करने की पावर नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है, ये एज पर लॉ है। जिस तरह से जो देखा है और सामने देखा है, ये रेड एसडीएम की है जो इलीगल है। कोई भी कानून में प्रोविजंस नहीं है कि एसडीएम जाके इस तरह से रेड कर सकता है एंटी करप्शन एक्ट के तहत, क्योंकि एंटी करप्शन एक्ट में स्पेसिफिक प्रोविजंस है कि किस लेवल के ऑफिसर्स जाके रेड कर सकते हैं, और केवल पुलिस ऑफिसर ही उस प्रोसीजर को अडॉप्ट कर सकते हैं। जब हर जगह बात अनसुनी कर दी गई तो सिसोदिया ने ये वीडियो ट्विटर पर शेयर कर दिया। इस वीडियो के बहाने डिप्टी सीएम ने दिल्ली पुलिस और एसीबी पर अपनी भड़ास निकाल दी, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि पकड़े गए कर्मचारियों के नाम क्या है और ये डीडीए के किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। कुमार कुंदन, इंडिया टीवी, दिल्ली।